नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी या हरिवल्लभ एकादशी कहते हैं। इस बार ये एकादशी 10 जून को पड़ रही है। इस दिन देवतम भगवान विष्णु की पूजा से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार संसार में चार पैर वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज ज्येष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी मासों में पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इस मास में पंच रात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। अधिक या पुरुषोत्तम मास में दो एकादशी होती हैं, जो परमा एकादशी और पद्मिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यमय लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और दान को उत्तम बताया गया है। वैदिक धर्म में व्रत उपवास को अलग महत्व दिया जाता है। सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी विशिष्ट देवी देवता को समर्पित होता है, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उस दिन उपवास रखते हैं। साप्ताहिक दिनों में उपवास रखने के अलावा हिंदू कैलेंडर के अनुसार ऐसे बहुत से दिन भी आते हैं जब उपवास रखने का सुखद फल व्यक्ति को मिलता है। इन्हीं दिनों में से एक होता है एकादशी का व्रत। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या 24 से बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में दो एकादशी आती हैं, जिन्हें परमा और पद्मिनी के नाम से जाना जाता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को हरिवल्लभ या परमा एकादशी कहा जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।